चुनाव नजदीक है, लेकिन उससे पहले टिकट बंटवारे को लेकर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, बड़े ही सोच समझ के टिकट का बंटवारा करने वाली है। ऐसे में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 10 राज्यों में सेक्रेटरी व ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त कर दी है। मनोज चौहान और प्रफुल्ला विनोद राव को हरियाणा का सेक्रेटरी लगाया गया है। उम्मीदवार फाइनल करने के लिए आज स्क्रीनिंग कमेटी की चौथी और आखिरी मीटिंग होने वाली है, ऐसी खबरें चल रही हैं। मीटिंग में सभी 90 उम्मीदवारों का फाइनल पैनल तैयार किया जाएगा। इसके बाद 2 सितंबर को होने वाली कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में पैनल पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद सितंबर के पहले हफ्ते में कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है। आपको बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी की तीसरी मीटिंग के बाद कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा था कि मीटिंग में सभी सीटों पर चर्चा की गई है। आखिरी मीटिंग में उम्मीदवारों के पैनल का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। हालांकि जहां पहले खबरें आ रही थी कि कांग्रेस अलग अलग 3 हिस्सों में अपने उम्मीदवार घोषित कर सकती है, लेकिन अब ये खबरें आ रही है कि कांग्रेस एक साथ 90 की 90 सीटों पर अपनी सभी उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि बीजेपी की बात करें तो अनिल विज ने ये बताया था कि 55 उम्मीदवार फाइनल कर दिए गए हैं, जल्द ही उनकी घोषणा हो सकती है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करें। कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की लिस्ट पर केंद्रीय चुनाव समिति में बातचीत होगी। मैं सिटिंग MP हूँ, मेरा विधानसभा चुनाव लड़ने का मन है, मेरे बारे में जो फैसला हाईकमान करेगा वो मान्य होगा। इससे पहले शैलजा ने सवाल उठाए थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने की सूरत में दलित CM क्यों नहीं बन सकता, यानी कि कुमारी शैलजा चुनाव लड़ना चाहती हैं, वोट गई हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना ही है। वहीं जननायक जनता पार्टी के बागी विधायक और पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली को कांग्रेस ने टिकट देने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि देवेंद्र बबली ने मुलाकात की थी, वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन मैंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य वो नहीं है, इस नाते उन्हें टिकट नहीं मिल सकती। अगर अध्यक्ष चौधरी उदयभान कोई फैसला करती हैं तो अलग बात है, लेकिन मेरी तरफ से उनको ना कर दी गई है। वहीं कांग्रेस से 5 फॉर्मूले को लेकर टिकट बांटने वाली है। आपको बता दें कि वो सांसदों को टिकट नहीं देने वाली, ऐसे बयान जो है कांग्रेस के प्रदेश इंचार्ज दीपक बाबरिया द्वारा कहा गया था। इसके अलावा जो नेता पहले चुनाव हार चुके हैं या जो दागी नेता हैं उन्हें भी टिकट नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा जो नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और फिर से वो शामिल हो चुके हैं उनके नामों को भी खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा इंचार्ज दीपक बाबरिया ने सबको चौंकाते हुए एक बयान ये भी दिया था कि बिना चुनाव लड़े भी CM फेस हो सकता है और विधायकों के टिकट कटने जरूरी नहीं है, ऐसे भी बयान उन्होंने दिए थे। क्या कहते हैं इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।